निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। तलका न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। वृद्धाश्रम में किया गया कंबल का वितरण। मऊ के राणा प्रताप सेवा संस्थान बड़ा पोखरा मऊ के तत्वावधान में मोहम्मदाबाद स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कंबल, ऊनी कपड़े, शाल, मास्क, फल और मिठाइयां वितरित किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम के प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंधक रितेश सिंह का कहना है कि संस्थान द्वारा विगत 10 वर्षों से जरूरतमंदों को और असहाय लोगों को सहायता दी जाती रही है और भविष्य में भी सहायता की जाती रहेगी। सभी लोगों को भोजन भी कराया गया। संस्थान के संरक्षक चंद्रभूषण पांडे, प्रबंधक रितेश सिंह, वृद्धाश्रम के संचालक लक्ष्मीराम प्रसाद, सुधांशु सिंह, अखिलेश कुमार सोनकर, मदन चंद देवबंसी आदि लोग भी उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए तलका.in। बुजुर्गों के लिए आश्रम, बुजुर्गों के लिए आश्रम, लेकिन इसकी आवश्यकता मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन समाज की जो कुरीतियाँ हैं, लोगों की जो मानसिकता है, इसके वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब जो परिस्थिति होती है उसी में समझौता किया जाता है, उसी में खुशियाँ ढूंढा जाता है। जैसा सभी लोगों ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, मदन जी ने कहा कि यहाँ सब लोग एक साथ हैं, सारे बुजुर्ग एक साथ हैं, एक इनको एक अपना अलग माहौल मिला है, एक साथ अपना सुख दुख बांट रहे हैं। लेकिन यहाँ आना तो भाई घर की ही वजह से पड़ा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अब जिन भी परिस्थितियों में यहाँ आ गए, यहाँ आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, दीर्घायी हों। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे भी आशीर्वाद आप लोग प्रदान करें और कि हमारी संस्था और हम लगातार निरंतर आप जैसे लोगों के लिए सहायता करते रहें। बिना आप लोगों के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है।